हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आज हम मालवनी चिकन मसाला बनाने वाले हैं। हम समर में मालवन गए थे, वो वीडियो भी हमने चैनल पे देखे हैं। और मालवन से ही हमने चिकन मटन मसाला, फिश मसाला ऐसे मसाले लाए हैं। तो आज हम मालवनी चिकन मसाला बनाने वाले हैं। तो इससे बनाया हुआ चिकन और मटन बहुत ही मस्त लगता है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलो आज हम चिकन मालवनी कैसे बनता है देखते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है और अच्छे से धो के हमने इसके ऊपर हल्दी और नमक लगा के रखना है। और इसके अंदर हमें थोड़ा सा मसाला करना है। तो हमने यहाँ पे दो हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक। बाकी का ये जिंजर गार्लिक है हम जो मसाला बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया है। दरदरा बना के अच्छे से चिकन को ये मसाला लगाना है। जो भी स्वाद है वो चिकन में घुसना चाहिए। तो इस तरह से हाथ से भी हम अच्छे से चिकन को ये मसाला लगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसका जो मसाला है वो बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लोखंडी कढ़ाई यानी आयरन की कढ़ाई होती है वो ली है। आयरन की चीज़ें कढ़ाई तवा ऐसे यूज़ करना बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई ली है। फिर इसके अंदर हमने लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डाला है। हल्का सा हमें इसको भूनने के बाद इसके अंदर हमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से भूनना है। अभी थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के बाद हम इसके अंदर फ्रेश कोकोनट होता है वो ग्रेट करके यहाँ पे यूज़ करना है। तो फ्रेश कोकोनट और प्याज को हमें अभी अच्छे से भूनना है। बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी कलर आने तक हमें फ्रेश कोकोनट को भूनना है। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हम इसके अंदर जो अदरक लहसुन है हमने पहले थोड़ा यूज़ किया है, आप ही थोड़ा यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम हरा धनिया डालकर और ठंडा होने के बाद हम इनको पीस लेंगे। अभी हम इसको मिक्सी जार में लेते हैं, फिर इसकी पेस्ट बना लेते हैं। अभी हम उसी कढ़ाई में तेल लेंगे और हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और दो तेज पत्ते है वो डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए। और हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें छोटा सा कटा हुआ प्याज है वो डाल देंगे। और इसको हमें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भूनना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। और ये अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ये मालवनी चिकन मटन मसाला है वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पे 5 चम्मच ये मालवनी मसाला यूज़ कर लेते हैं। हम इसके अंदर दूसरा कोई भी मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यही मालवनी मसाला हमारे लिए काफ़ी है। हमने मैरिनेट करते समय हरी मिर्च डाली थी, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे मसाला डालना है। फिर हमने ये पेस्ट बनाई है प्याज और कोकोनट वाली, वो डाल देंगे। हम इसको मिक्स करके अच्छे से ये मसाला हमें भूनना है। हमने चिकन मैरिनेट करते समय नमक डाला था, यहाँ इस पॉइंट पे हमें मसाला भूनते समय थोड़ा सा नमक यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। और अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही यम्मी ये मसाला है और इससे तो ये मालवनी चिकन बहुत ही यम्मी होता है। फिर इसके अंदर चिकन डाल के हमें अच्छे से इनको मिक्स करना है। और मिक्स होने के बाद इसके अंदर हमें गर्म पानी का यूज़ करना है। कभी भी आप चिकन मटन की रेसिपी करते हो तब आप इसके अंदर गर्म पानी का ही यूज़ करें, तभी ये अच्छे बनती हैं। मसाला गाढ़ा पतला जैसे रखना है उस तरह से पानी का यूज़ करें। तो ये अच्छे से भूनने के बाद हम इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे। और ये ढक्कन हमें पूरा नहीं लगाना है, थोड़ा सा साइड से ओपन रख के इस चिकन को हमें पकाना है। तो चिकन मसाला भी हमारा रेडी हो गया है, हरे धनिए से गार्निशिंग किया है। और आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना यम्मी लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इसको चपाती, रोटी या भाकरी के साथ खा सकते हैं। चावल वाली रोटी से तो ये बहुत ही यम्मी लगता है, इसको सैलेड के साथ परोस सकते हैं। और हमने ये सोल कढ़ी भी बनाई है, सोल कढ़ी भी बहुत ही यम्मी लगती है। तो सोल कढ़ी का वीडियो भी
हमारे चैनल पे है, तो वो भी आप देखकर सोलू कढ़ी बना सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी हमारा ये मालवनी चिकन मसाला बना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।